Hey gorgeous girls, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. And in this video, I am going to show you how you can define your eyebrows, how to fill eyebrow gaps using an eyebrow pencil. बहुत ही easily और आसान steps में आप अपनी eyebrows को define कर सकते हो और proper shape दे सकते हो eyebrow pencil का use करके. चाहे आपकी round shaped eyebrows हो, medium arch, high arch या straight eyebrows हो, किसी भी type की अगर आपका eyebrow shape है तो आप उसे define कर सकते हो. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे इस साइड पे मुझे आईब्रो में मेरी गैप है यहाँ पे, और मेरा आर्च शेप है, हाई आर्च शेप है मेरी आईब्रोज़ का. तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को कॉम कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस आईब्रो ब्रश. ये मेरा ओरिफ्लेम का आईब्रो ब्रश है. आप चाहें तो अपने आईब्रोज को कॉम करने के लिए जो आपका पुराना मस्कारा होगा जो फिनिश हो चुका होगा उसका जो आईब्रो ब्रश होता है आप उसे प्रॉपरली क्लीन करके स्टेरलाइज करके उसे यूज़ कर सकते हैं एज अ स्पूली ब्रश और मस्कारा ब्रश अपनी आईब्रोज को कॉम्ब करने के लिए. ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टूल होते हैं. ये आपके आईब्रोज को डिफाइन करने के साथ साथ आपके एक्चुअली आपके आईब्रोज को प्रॉपर शेप देते हैं, दिखाते हैं आपके आईब्रोज के प्रॉपर शेप को, और जहाँ कहीं भी आपके आईब्रोज में गैप होते हैं ये उन्हें प्रॉपर शो करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका आईब्रोज किस तरह से जा रहा है और कहाँ पर आपको फिल करने की ज़्यादा ज़रूरत है. सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को कॉम्ब कर लेती हूँ इस तरह से. जो हमारे आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसे कहते हैं हम हेड ऑफ द आईब्रो. ये आईब्रो का हेड है, ये पूरी बॉडी है हमारे आईब्रो की, और जो ये पॉइंट है इसे कहते हैं पीक पॉइंट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊंचा उठा होता है हमारी आईब्रो. और जो लास्ट का पॉइंट होता है इसे कहते हैं आईब्रो टेल. यहाँ पे आके हमारी आईब्रो काफ़ी ज़्यादा पतली और एजी हो जाती है. यहाँ पे हेड सेक्शन में जो हेयर ग्रोथ होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो हमें कॉम्ब करना है तो वो भी करना है अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से. देन जिस तरह हेयर ग्रोथ है उस डायरेक्शन में हमें इस कॉम्ब को मूव करना है इस तरह से, और मैंने यहाँ पे मूव किया है. देन ये लास्ट में आके यहाँ पतली हो गई है, तो इस तरह से मैं इसे लास्ट में और फिनिशिंग के लिए अपने हाथ और फिंगर की हेल्प से इसे पॉइंटेड कर देती हूँ. अपनी आईब्रोज़ को शेप देने के लिए और जो गैप्स हैं उन्हें फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लैक्मे की आईब्रो पेंसिल. आप अपनी किसी भी फेवरेट ब्रांड की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं. अगर आपकी हेयर ग्रोथ मेरी इस तरह से है और जो मेरे आईब्रो का हेयर कलर है वो ब्लैक है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैक आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ. आप चाहें तो ब्राउन आईब्रो पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं. बट अगर आपकी जो आईब्रो की हेयर ग्रोथ काफ़ी कम है और आपके बहुत ज़्यादा थिक आईब्रोज नहीं हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ब्राउन शेड की आईब्रो पेंसिल का यूज़ करें, क्योंकि वो नेचुरल लुक देती है. हमारा सेकेंड स्टेप है आईब्रो गैप्स को फिल करना, तो इसके लिए जो मैंने पेंसिल यूज़ किया है आईब्रो पेंसिल, इसका प्रॉपर पॉइंटेड होना ज़रूरी है. और हम देख लेते हैं कि हमारी पेंसिल को किस तरह से हमें होल्ड करना है. अगर आप यहाँ पे जो पेंसिल के स्टार्टिंग में होल्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से और फोर्स से आप अप्लाई करेंगे, प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं होगी. बट अगर आप पेंसिल को थोड़ा सा दूर से यहाँ से अप्लाई करेंगे तो जो आपके स्ट्रोक्स होंगे जब आप आईब्रो गैप्स को फिल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाइट स्ट्रोक्स होंगे. और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आईब्रो गैप्स को फिल करते हुए या आईब्रो पेंसिल को अप्लाई करते टाइम आपके जो स्ट्रोक्स होने चाहिए वो लाइट और स्मॉल होने चाहिए. अब हम देख लेते हैं कि आईब्रो पेंसिल को हमें किस तरह से अप्लाई करना है. जो हमारा आईब्रो का हेड होता है यहाँ पर जो हमारा हेयर ग्रोथ होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू दिस सेक्शन. तो हम इस सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा लाइट और स्मॉल स्ट्रोक्स देंगे इस तरह से. पहले हम इसको शेप दे देते हैं. ड्रॉ कर लिया है अपनी आईब्रो में इस तरह से. अपवर्ड डायरेक्शन में मैं इसे फिल करूंगी. इस तरह से. देन यहाँ जिस साइड में हमारा हेयर ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में मैं इस पेंसिल को मूव करूंगी. बहुत ही लाइट और स्मॉल स्ट्रोक्स देकर ही फिल करना है हमें.
और लास्ट में इस तरह से हम इसे पॉइंटेड कर देते हैं। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है हम अगेन इसे कॉम्ब कर लेंगे इस तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। इस तरह से इससे क्या होगा कि जो आपका कहीं भी अगर पैची हुआ होगा भी तो वो प्रॉपरली इसकी हेल्प से ब्लेंड हो जाएगा। इससे आपके आईब्रोज के जो जो हेयर हैं वो स्कैटर्ड नहीं होंगे, यहाँ वहाँ प्रॉपर शेप में आ जाएंगे और बहुत ही क्लीन और फुलर लुक मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं मेरे दोनों आईब्रोज में डिफरेंस, ये प्रॉपर डिफाइंड है, प्रॉपर शेप में है और फुलर लुक मिल रहा है इनमें, और इसमें अभी नहीं है यहाँ पर। वैसे तो आईब्रो की ग्रूमिंग यहीं आके स्टॉप हो जाती है, बट अगर आप इसे और ज़्यादा क्लीन और प्रॉपर शेप में डिफाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूज़ करना है एक कंसीलर। आप कंसीलर ब्रश का यूज़ कर सकते हैं और जो इसका इसकी एजेस है वहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। बहुत ही मैंने कम कंसीलर लिया हुआ है इस तरह से यहाँ पर। जिस तरह से ये प्रॉपर क्लीन दिखेगा वैसे हमें कंसीलर ऊपर भी अप्लाई करना है, बहुत ही अच्छा क्लीन और फिनिश्ड लुक मिलेगा हमें इस तरह से। और इसे साथ ही साथ ब्लेंड भी करते चलेंगे। तो ये था मेरा आईब्रो ट्यूटोरियल यूजिंग आईब्रो पेंसिल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टैप द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन फॉर नोटिफिकेशन अबाउट माई न्यू अपलोड्स। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।